Hello and welcome to my channel Shining Star Solvers with you. This is now the 3 marks question. Kaise likhte hain, kis tarah se present karenge answer jo examiner dekhte hi usko full marks de de, ye sab is video mein bataya hua hai, dekhte rahiye. Ye dusri series hai, part 2 hai, sample paper of history 2019-20 released by CBSE. Now let us start. This is question number 21. State any three elements that historians considered while analyzing the Mahabharat. Aisi teen cheezein jo historian ne consider ki jab wo Mahabharat analyze kar rahe the. Jab bhi hum koi answer likhte hain to sabse pehle uska introduction aata hai. Theek hai? Introduction mein hum ya to thoda sa background batate hain ya fir general introduction dete hain. Jaise ki yahan par jo main point hai wo Mahabharat ke bare mein ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम दो लाइनें यहां पर महाभारत के बारे में लिखने वाले हैं जैसा कि मैंने यहां लिखा है महाभारत इज अ कोलोसल एपिक हुज क्रिटिकल एडिशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वीएस सुक्तथंकर बिगिन इन 1919 इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 13,000 पेजेस व्हिच टुक 47 इयर्स टू कंप्लीट अब यहां पर आप देखेंगे मैंने यहां पर ब्रैकेट में बिगिन इन 1919 डाल दिया जस्ट टू कट शॉर्ट द लाइन इस चीज का जरूर ध्यान रखें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है कंप्रेस्ड फॉर्म में ठीक है देन हमने लिखा है आगे थ्री एलिमेंट्स व्हिच हिस्टोरियंस कंसीडर व्हाइल एनालाइजिंग द महाभारत वॉर्स ये कनेक्टिंग लाइन है इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट को जोड़ने के लिए तो ये आप इस तरह का कुछ इंट्रोडक्शन अपने आंसर में बनाने वाले हैं ठीक है इसके बाद आती है मेन बॉडी एक चीज का ध्यान रखें जब आप तीन नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसकी वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स अगर उससे आप कम लिखते हैं यानी कि 30 40 60 वर्ड्स तक लिखते हैं तो आपके नंबर सीधे-सीधे कटेंगे अगर आप इससे ज्यादा लिखते हैं तो ये चीज एग्जामिनर को अननॉय कर सकती है तो अपना आंसर टू द पॉइंट लिखें 100 वर्ड्स लिखा है तो 100 वर्ड्स का ही लिखें ठीक है अब हम आते हैं इसकी मेन बॉडी पर सबसे पहले मैंने यहां पर पहला पॉइंट जो बनाया है जो कि हिस्टोरियन कंसीडर करेंगे महाभारत को एनालाइज करने के लिए दैट इज लैंग्वेजेस ठीक है यहां पर आप लैंग्वेजेस मैंने जहां-जहां ब्लैक पेन यूज किया वहां ब्लू पेन यूज कर सकते हैं देयर इज नो इशू इन दैट ओके तो सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया लैंग्वेजेस मैं स्टार्ट हिस्टोरियंस से भी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि जब आप सब हेडिंग बनाते हैं तो किसी भी एग्जामिनर के लिए बड़ा इजी रहता है उस पॉइंट को पहचानना तो हमेशा इस तरह के सब हेडिंग जरूर बनाएं जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है लैंग्वेजेस पहला पॉइंट जो कि एनालाइज होगा वो होगा लैंग्वेजेस ठीक है इसके बाद मैंने इसका मेन टेक्स्ट लिखा है हिस्टोरियंस एग्जामिन्ड वेदर द लैंग्वेज ऑफ द एपिक historian examined the language of the epic that whether texts were written in Pali, Prakrit or Tamil, language used by ordinary people or in Sanskrit languages for elite priests. Okay. अब इस पूरे टेक्स्ट में जो मेन चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी है ब्लू ब्लैक किसी से भी आप अंडरलाइन कीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया वेदर पाली प्राकृत और तमिल ordinary people और संस्कृत priests तो एक historian को idea हो जाएगा इसमें दो चीजें हैं पाली प्राकृत तमिल जो कि ordinary बोलते थे संस्कृत जो कि priest और elite बोलते थे तो ये underline करके मैंने समझाना चाहा है okay then इसके बाद मैंने जो point बनाया है sub point वो है kinds of text आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं main चीज इसके अंदर है mantras Ritual specialists or stories ordinary people have read. ठीक है महाभारत में दो तरह का टेक्स्ट हिस्टोरियंस ने एनालाइज किया है कि वो मंत्रास में लिखा गया था या फिर स्टोरीज में ठीक है मेन चीज जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है देन इज ऑथर्स एंड ऑडियंस अब इस पॉइंट में एक चीज ये ध्यान देने वाली है तो ये दो पॉइंट लेकिन मैंने इसको एक में क्लब कर दिया जब आप आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना है थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लिखना है लेकिन थोड़ी कम उसमें कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो इसीलिए मैंने इसको एक ही पॉइंट बना दिया ऑथर्स एंड ऑडियंस
थोड़ा सा यहाँ पर ऑथर्स के बारे में बता दिया, थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में बता दिया, ठीक है, तो थोड़ा इजी रहता है एग्जामिनर को. देन दिस इज द कंक्लूजन. अब ये क्वेश्चन का मेन पार्ट एंड हो गया है यहाँ पर. अब कंक्लूजन आया है यहाँ से. इट इज ओनली आफ्टर कंक्लूजन क्या होता है. कंक्लूजन होता है जो आपने इस क्वेश्चन से एनालाइज किया है, या जो क्वेश्चन अगर किसी कॉज पे है, इफेक्ट पे है, उसका बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, वो सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं. और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे वो मेन जो टेक्स्ट है, मेन जो आपने लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तीन चार लाइनें ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डालनी है. इट इज़ ओनली आफ्टर मेकिंग द असेसमेंट ऑफ ऑल थ्री पॉइंट्स दैट हिस्टोरियंस ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. देयर हेयर इज महाभारत, ठीक है. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ महाभारत, ठीक है. तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन मैंने दिया है कि इन, ये जो मैंने इसमें मैंने ये बताया कि इन तीन पॉइंट्स को लेकर के ही हिस्टोरियंस महाभारत के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये महाभारत के एनालिसिस के लिए. दिस इज द मेन कंक्लूजन. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल रिमेन्स आर अ सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फॉर द टेम्पल आर्किटेक्चर. यानी कि जो बिल्डिंग्स या जो भी बचा कुछ रह गया, आर्किटेक्ट बिल्डिंग रिमेन या फिर आर्किटेक्चरल रिमेन्स, जो भी बिल्डिंग का मटेरियल है, तो किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि हमें पता चले कि टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, वो काम आता है वो रिमेन जो है, ठीक है. तो इसको हमें जस्टिफाई करना है किसके रेफरेंस में. विठल टेम्पल के, जो कि विजयनगर एम्पायर का था. जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्योंकि यहाँ पर विठल टेम्पल के बारे में पूछा है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि विठल टेम्पल है क्या, किसकी वर्शिप होती है. मैं आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, मेन टेक्स्ट पर आपको लेकर चलूँगी और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हम बनाएंगे वो मैं आपको वहाँ बताती हूँ. ओके, सो नाउ वी हैव कम एट द मेन टेक्स्ट. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 188, हिस्ट्री पार्ट नंबर 2. इस बुक से आपको इसका आंसर मिलने वाला है और यही पैराग्राफ इसका आंसर है. सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो पहले आप विठल के बारे में बताएंगे कि हेयर इन द विठल टेम्पल द प्रिंसिपल डाइटी वॉज विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, ठीक है. तो ये तो हो जाएगा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन. देन इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो होगा, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दिस टेम्पल टू हैज सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डेजिग्नेटेड एज चैरियट, ठीक है. सबसे पहले इसका सब पॉइंट बनेगा यूनिक श्राइन, और उसके बाद आप इस लाइन को लिख दीजिएगा थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के कि This temple, this Vithal temple has several halls and there is a unique shrine which is designated as a chariot. थोड़ा सा बढ़ा करके, ठीक है. अगला जो इसका पॉइंट बनेगा वो बनेगा चैरियट स्ट्रीट से लेके, ठीक है. अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप पूरा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अगला पॉइंट बनेगा इसका ये. कुछ यहाँ पर कॉमन पॉइंट हैं जो कि वीरूपक्ष और विठल टेम्पल के दोनों हैं, आप उसमें भी इसको लिख सकते हैं. तो जो अगला पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे गोपुरम्स एंड मंडपास, क्योंकि ये दोनों के करेक्टरिस्टिक है, वीरूपक्ष और विठल टेम्पल के, तो इसीलिए आप इसको विठल टेम्पल के करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आप गोपुरम समझा देंगे, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ, ठीक है. ये लास्ट वाली लाइन भी अगर आपने लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं कि आपने ये सारा गोपुरम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है. देन अगले उस पर चलते हैं. तो यहाँ पर मंडप की डेफिनेशन है तो इसको दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक.
ये आपके चार पॉइंट्स बन गए हैं, जिसमें आपने एक में मंडप समझा दिया, एक में गोपुर, जिसमें एक में आपने मंडप समझा दिया, एक में गोपुरम यहां पर समझा दिया, एक पॉइंट इसका ये हो गया, और बाकी के दो पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो तो है ही, ठीक है। और इसका एक आप छोटा सा कंक्लूजन बना दीजिएगा। ये था उस आंसर का प्रेजेंटेशन। इसके बाद आप लिखेंगे एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर, क्योंकि पहले ट्रेंड था 4 मार्क्स का, इसीलिए मैंने 4 सब पॉइंट्स बना दिए। आप कोई भी 2 पॉइंट्स को क्लब कर देना, यूनिक श्राइन और चैरियट स्ट्रीट्स को आप क्लब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन है। सो वी कैन से दैट आर्किटेक्चरल रिमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड वेन दे गेट कंबाइंड विद द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक, पेज नंबर 191 से अगली लाइन जो है वो मैं बोल रही हूँ, इंस्क्रिप्शंस, एविडेंस, टेक्स्ट एटसेट्रा, वी गेट टू नो वट आइडियाज पैटर्न्स विश्ड टू प्रोजेक्ट, ऑल्दो दे डू नॉट टेल्स अस वट ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन वॉन्ट टू सी, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा कंक्लूजन हो जाएगा। देन और करके एक नया क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 21, आई थिंक 22 है ये, जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है और करके वो ये है, कृष्ण देव रायाज रूल वॉज करेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन जस्टिफाई। कृष्ण देव राया का जो रूल था वो एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो बड़ा ही एक्सपेंड किया और बड़ा ही स्ट्रांग रहा, तो इसको जस्टिफाई करो, ये हमें ऐसा कुछ जस्टिफाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पर कृष्णदेव राया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ लाइनें हम यहाँ पर कृष्णदेव राया से रिलेटेड देंगे कि वो कौन थे, वो हमारा इंट्रोडक्शन बनेगा। तो इस आंसर के लिए मैं आ गई हूं पेज नंबर 173 पे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे कि कृष्ण देव राया कौन थे, तो उसके लिए आपकी पहली लाइन होगी, कृष्ण देव राया बिलोंग्ड टू वॉज अ रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1529 एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजय नगर, ठीक है। ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। इसके बाद आता है आपका मेन आंसर, ठीक है। सबसे पहला आप जो सब पॉइंट बनाएंगे वो होगा डिफीट ऑफ नेबरिंग एम्पायर्स या विक्ट्री ओवर नेबरिंग एम्पायर्स, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन जो इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट की होगी वो ये, कृष्ण देव रायाज रूल वॉज करेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। इसके बाद जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा विक्ट्री ओवर द नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो उसके अंडर आप लिखेंगे, दिस वॉज द टाइम वेन द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर रायचूर दुआब वॉज अक्वायर्ड, रूलर्स ऑफ ओडिशा वॉज सबड्यूड एंड सीवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन सुल्तान ऑफ बीजापुर। इनके सन जो ये ईयर्स हैं ये जरूरी नहीं है लिखने को, लिखते हैं तो भी ठीक है। देन सेकेंड जो क्वेश्चन पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, ये सब पॉइंट बनेगा। इसके बाद इसके अंडर आप लिखेंगे, कृष्ण देव राया इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स एंड एडिंग गोपुरम्स टू मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स, ये सेकेंड सब पॉइंट का पॉइंट बनेगा। थर्ड सब पॉइंट बनेगा फाउंडिंग ऑफ सबर्बन टाउनशिप, ठीक है, ये आप सब पॉइंट लिखेंगे। उसके उस हेडिंग के जो अंदर लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ही ऑल्सो फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कोल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर, ये आप लिखेंगे। देन इसका जो वो है कंक्लूजन है वो मैं आपको, मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो नाउ वी हैव कम ओवर द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका कंक्लूजन बनेगा, ऑल्दो किंगडम वॉज अंडर द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बट इट स्टिल फ्लरिश्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रोस्पैरिटी, हाउ एवर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण देव राया इंपीरियल पावर
डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। तो इसमें हमने कंक्लूजन में क्या लिख दिया, कृष्णदेव राय की डेथ के बाद का कॉन्सिक्वेंस लिख दिया थोड़ा सा, और जो हमने समझा वो लिख दिया। हालांकि ये जो कुछ वर्डिंग्स हैं ये आपको आपके रियल टेक्स्ट में मिल जाएंगी। देन लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 23। शो हाउ द पावर ऑफ जोतदार्स विद इन अ विलेज वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोतदार की पावर जमींदार से ज्यादा इफेक्टिव कैसे थी। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जोतदार कौन थे। ठीक है, आप थोड़ा सा डिफरेंस भी बता सकते हैं कि जोतदार, आप ये भी बता दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि जोतदार और जमींदार कौन थे। आप सिर्फ जोतदार भी बता सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहां पर मैं जोतदार बता रही हूं कि वो कौन थे इंट्रोडक्शन में। अब देखिए यहां पर जो इसका मैं इस क्वेश्चन के लिए पेज नंबर पे आ गई हूँ, पेज नंबर 261, द राइज ऑफ द जोतदार्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जोतदार्स थे कौन। जोतदार्स वर द क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स। दे हैड अक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड एंड ऑल्सो कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड मनी लैंडिंग एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेशन ऑफ रीजन। ये हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आएगा द पावर ऑफ जोतदार्स वॉज मोर देन द पावर ऑफ जमींदार एज। इसके बाद हमें मेन पार्ट लिखना है। तो पहला जो सब पॉइंट बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट कंट्रोल। उसके अंडर जो वो आएगा टेक्स्ट आएगा वो आएगा कि अनलाइक जमींदार हु ओफन लिव्ड इन द अर्बन एरियाज, जोतदार्स वर लोकेटेड इन द विलेजेस एंड एक्सरसाइज्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजेस। ठीक है, जो इसका दूसरा सब पॉइंट बनेगा वो बनेगा रेजिस्टेड द एफर्ट्स ऑफ जमींदार। और उसके अंडर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे दे फियर्सली रेजिस्टेड द एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज, प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट बनेगा मोबिलाइज्ड रियोट्स। वो यहाँ से आएगा दे ऑल्सो मोबिलाइज्ड रियोट्स हु वर डिपेंडेंट अपॉन देम डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स। ये आएगा इसका मेन आंसर। इसके बाद आएगा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन, जो कि मैंने आपको मेरे इस नोट्स में शॉर्ट में बता रखा है। ये कंक्लूजन में आप लिखेंगे दे बिकेम द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर इन द विलेज, इनफैक्ट दे वर द परचेजर्स व्हेन जमींदारी एस्टेट्स वर बीइंग ऑक्शन्ड, देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड द जमींदारी अथॉरिटी। और ये कंक्लूजन लिया है मैंने उस ही मेन टेक्स्ट से। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ये कंक्लूजन जो आया है वो आया है इस पैराग्राफ से। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन सिपाहीज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन सिपाहीज जो हैं उनके क्या ग्रीवेंसेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले। तो क्योंकि यहाँ पर सिपाहीज के बारे में पूछा गया है और रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी जिक्र है, तो आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि सिपाहीज ने रिवोल्ट स्टार्ट कैसे की और कब की। ठीक है, उसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन बनाएंगे द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियन सिपाहीज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिफोर 1857 वर। और इसके बाद ये जो सब पॉइंट्स हैं ये जो मैं आपको बाद में टेक्स्ट में बताने वाली हूँ ये लिखेंगे और फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे। ओके ओके, सो आंसर के लिए मैं आ गई हूँ इस पेज पर, इंट्रोडक्शन पेज पे चैप्टर 11 के। आप सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या उनको सिपाहीज ने कैसे स्टार्ट की। ठीक है, सो द रिवोल्ट ऑफ सिपाहीज वाज स्टार्टेड बिगेन इन द लाइंस ऑफ नेटिव इन्फेंट्री स्प्रेड स्विफ्टली टू कैवलरी एंड देन टू द सिटी। ठीक है, द सिपाहीज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म वेयर
एंड ये पूरी आप लाइन लिखेंगे, द सिपाइज कैप्चर्ड द बेल्स ऑफ आर्म वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वर कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक द वाइट पीपल। ये आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि ग्रीवेंसेस ऑफ सिपाइज वर। और अब मैं आपको ले चलती हूँ मेन पार्ट पर। इस आंसर के लिए, मेन आंसर के लिए मैं आ गई हूँ पेज नंबर 299 पर। यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले हम लिखेंगे, पहले सब हेडिंग बनाएंगे लो पे। तो उसके लिए आप ये वाला वो लिखेंगे, ये वाली लाइन, फॉर द डिकेड सिपाइज हैज हैव कंप्लेंड ऑफ लो लेवल ऑफ पे एंड डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग लीव। ठीक है, ओके, देन ये बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हम आएंगे, उसके बाद आएंगे कि फिजिकल अब्यूज या फिजिकल वायलेंस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन 1840s द ऑफिसर्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग सिपाइज एज देयर रेशियल इंफीरियर्स। अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस बिकेम कॉमन। ये हो गया। एंड डज द डिस्टेंस बिटवीन सिपाइज एंड ऑफिसर्स ग्रू। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो आ गया ग्रीस्ड कैटरेजेस का, जो कि आपको वापस से कहाँ मिलेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं उस पॉइंट, चलो मैं पहले उस पॉइंट पे जाती हूँ फिर अगला पॉइंट आपको बताऊंगी। तो उसी पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, द सिपॉयज वर आस्क्ड टू बाइट द बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ पिग्स और पिग्स एंड काउस विद देयर टीथ अकॉर्डिंग टू देम एंड दिस करप्ट द फेथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक। तो ये लाइन, ये पॉइंट आप अपने आंसर में डालेंगे। देन एक और पॉइंट जो आपके इस आंसर में आ सकता है वो ये है कि जो अवध था वहीं से मोस्ट ऑफ द जो पीजेंट्स हैं वहीं के यहाँ पर सिपाइज बनते थे। तो उनके जो अवध के पीजेंट्स के ग्रीवेंसेस इन के साथ मिल जाते थे एक, और वो मतलब समझते थे उन चीज़ों को क्योंकि वो अवध से ही थे। तो अवध में जो भी लोगों ने झेला वो उन्होंने वहाँ के सिपाइज तक ट्रांसफ़र हो जाता था क्योंकि सिपाइज जो थे वो मेनली अवध से थे। ऐसा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो आप ये इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं। इसके बाद आएगा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप यहाँ पर लिख देंगे, सो दे ब्रोक टू म्यूटिनी एंड दिस म्यूटिनी वॉज स्विफ्टली ज्वाइंड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रॉट ब्रिटिश राज ऑन टू इट्स नीज एंड थ्रेटन्ड द ब्रिटिश रूल। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। पार्ट सी जो है मैं आपको अगली पार्ट में, वीडियो में आपको समझाऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून टू शाइनिंग स्टार्स ऑलवेज विद यू।